आप सब, आज मैं चाउमीन बना रही हूँ। और चिकन चाउमीन बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल्स को, कैरेट एंड जो कैप्सिकम है इसको इस तरह से जुलियन कट कर लिया है, और एक जो बड़ा प्याज है उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। सबसे पहले जो है हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसमें आपने डालना है कॉर्नफ्लावर, आप चाहें तो इसमें एग वाइट भी डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा जाएगा वाइट पेपर, और इसमें हम ऐड करेंगे नमक, टू पिंच इसमें नमक। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। 10 मिनट्स इसे रखने के बाद हम इसे फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम चिकन को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आपने चिकन को इस तरह से हाथ में लेने और इस तरह से वन वन पीस करके डालते जाएंगे इसमें। सारे चिकन को आपने इस तरह से डाल देना है। मैंने पहले भी बताया, आप चाहें तो इसमें एग वाइट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही। और जो है आपने इसको बहुत तेज़ी से हिलाना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसको मैं निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है, और अब इसमें ये जिंजर और गार्लिक जो है मैंने इनको क्रश कर लिया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने लेना है, और इसे सौते कर लेना है अच्छी तरह से। जैसे ही ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगा तो इसमें हम वेजिटेबल्स डालना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअल में मैंने लिए यहाँ पे जो है बेक पार्लर्स के चाउमीन लिए मैंने, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सेम उसी तरह होंगे जिस तरह एग नूडल्स होते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत रॉन्ग रहा, ये उस तरह से नहीं थे। तो मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो है उसमें आपको ओरिजिनल जो है इसकी नूडल्स वो भी बनाना सिखा दूँगी। अब जो है इसके साथ ही मैंने वेजिटेबल्स को ऐड कर दी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स को ऐड किया है तो मैं फौरन से ही इसमें इसके साथ चिकन डाल रही हूँ, ये जो अभी हमने फ्राई किया था। और अब यहाँ इस स्टेज पे इसमें जो है थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल जो है आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और यकीन करें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। फुल फ्लेम रखा हुआ मैंने इसके नीचे,
और साथ ही इसमें अब यहाँ पे मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 2 टेबलस्पून ही इसमें जिंजर गार्लिक टोमेटो ऐड कर रही हूँ मैं। और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड कर रही हूँ। और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और 1 पिंच गरम मसाला ऐड किया है। और 1 टीस्पून ही इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ये बेक पार्लर का जो स्पेशल मसाला है इसे ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, अब यहाँ इसमें मैं ऐड करूँगी नूडल्स। मैंने इनको ऑयल लगा के बॉईल नहीं किया, क्योंकि अगर आप इन्हें ऑयल लगा के बॉईल करेंगे तो जो मसाला है वो इन पे चिपकेगा नहीं और टेस्ट नहीं आएगा इनमें। तो काइंडली आप भी इन्हें ऑयल लगा के बॉईल मत करें। देखें जी, 100 पीसेज जो हमारे चाउमीन हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको सर्व करती हूँ। देखें जी, यम्मी स्पाइसी जो हमारे चाउमीन है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।